हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग जिस टॉपिक का एक क्वेश्चन लेके आए हैं हमारा कॉमन डाउट सीरीज में, दैट टॉपिक इज एन एलिमेंट फ्रैक्शन। अगेन वही बात बोलूंगा, जैसे ही क्वेश्चन आए वीडियो को पहले पॉज करिए, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसके बाद में आप इसके सॉल्यूशन को देखिए। बेस्ट ऑफ लक। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर शोन इन द फिगर इज म्यू। हियर द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज गिवन एज म्यू। द मैक्सिमम फोर्स दैट मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट द बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दिस कि दिस पर्सन इज पुलिंग द रोप, राइट। तो यहां जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये पर्सन इस रोप को पुल करेगा किसी फोर्स से, तो लेट्स सपोज दैट फोर्स इज एफ, राइट। तो हम जानते हैं जितने फोर्स से ये इसको पुल करेगा उतने ही फोर्स से ये रोप भी इस पर्सन को पुल करेगी। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट कि जितने फोर्स से मैंने रोप को पुल किया सेम फोर्स से रोप भी मैन को पुल करने वाली है। और आपसे पूछा है इस फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ताकि ये बोर्ड यहां पे स्लिप ना करे। और हम जानते हैं ये कॉन्सेप्ट वन हुआ। कॉन्सेप्ट नंबर टू कि अगर आइडियल स्ट्रिंग है तो उसके हर पॉइंट पर फोर्स का वैल्यू सेम रहता है। इसका मतलब ये फोर्स यहां से ट्रेवल करता हुआ यहां पहुंच जाएगा और इसका भी वैल्यू एफ ही रहने वाला है। तो पूरा ट्रेवल करता हुआ यहां पहुंचा, इसका वैल्यू भी एफ रहा। जब ये फोर्स यहां लगेगा इसकी वजह से बोर्ड आगे जाने की कोशिश करेगा और फ्रिक्शन फोर्स इसको बोलेगा कि तुसी ना जाओ, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। और मान लेते हैं उस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हो गया म्यू इंटू एन जो पीछे की तरफ लग रहा है। अब अगर आगे बढ़ना है तो हमें इस एफ को इस म्यू इंटू एन के इक्वल करना चाहिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली सिचुएशन में लेके आना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो हम जानते हैं कि इसको निकालना है तो पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए यहां आपको दो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ेंगे, एक मैन का फ्री बॉडी डायग्राम और एक बोर्ड का फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए बेटा, अगर मैं एफ बी डी ऑफ मैन बनाऊं तो आप देख रहे हैं इस मैन के ऊपर क्या क्या लगा। एक तो लगा इसके ऊपर धरती माता का प्यार एम जी, और दूसरा क्या लगा, जितने फोर्स से ये रोप को पुल करेगा रोप भी उसको सेम फोर्स से पुल करने वाली है एफ फोर्स। और क्या लगेगा, ये देखो ये मैन यहां पर इस सरफेस को मान लेते हैं किसी नॉर्मल रिएक्शन एन डैश से प्रेस कर रहा है, तो ये भी इसको एन डैश से प्रेस करेगा। तो यहां पर इको लग रहा होगा, दैट इज व्हाट एन डैश। एन डैश को एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार फिर से। जितने फोर्स से ये मैन इस बोर्ड को पुश करेगा बोर्ड भी सेम फोर्स से उसको पुश करेगा, तो इसके ऊपर एन डैश भी लग रहा होगा। तो यहां पर आप देखिए आप पास में पहली इंफॉर्मेशन जो बनेगी दैट इंफॉर्मेशन इज एन डैश प्लस एफ इज इक्वल टू एम जी। ये पहली इक्वेशन बनेगी। अब एक काम करो आप, अब आप बोर्ड का एफ बी डी बना दो। तो अगर आप बोर्ड का एफ बी डी बनाओगे तो बोर्ड का एफ बी डी बनाने के केस में इस बोर्ड के ऊपर क्या क्या लग रहा है देखिए। इसके ऊपर लगा एक धरती माता का प्यार एम जी, और एक इस पर्सन ने इसको प्रेस किया एन डैश से, और इन दोनों की वजह से इसके ऊपर एन लगने लगा, यानी एन का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में एन डैश प्लस एम जी। और एन डैश का वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर सकते हैं यहां से, तो एन का वैल्यू बन जाएगा आपके पास में एन डैश यानी कि कैपिटल एम जी माइनस एफ प्लस स्मॉल एम जी। ये एन डैश का वैल्यू बन गया। अब ये बोर्ड नहीं चले इसके लिए आगे लगने वाला फोर्स पीछे लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस होना चाहिए। तो आगे लगने वाला फोर्स एफ, क्योंकि मैक्सिमम लेना है तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी म्यू इंटू एन के इक्वल बन जाएगा, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा एफ मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। एन का वैल्यू है एम जी माइनस एफ प्लस कैपिटल एम जी। यहां से क्योंकि आपको f निकालना है तो यहां मैं
इस वाली टर्म को इधर लेके आ जाऊं, दूसरी साइड में शिफ्ट कर दूं, तो जैसे ही शिफ्ट करूंगा तो 1 प्लस म्यू बन जाएगा और ये बन जाएगा आप पास में म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। यहां से जैसे ही एफ का वैल्यू निकालेंगे जो कि मैक्सिमम होगा, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा म्यू टाइम ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू, एंड दिस वुड बी दी योर आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। सो आप देख रहे हैं कि आपका पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। गाइज इज इट मेकिंग सेंस? तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था, जितने फोर्स से ये मैन इस रोप को पुल करेगा, रोप भी सेम फोर्स से पुल करेगी, और जब ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल बन जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कल के वीडियो में।